जम्मू काश्मीर ना श्रीनगर में हरि पर्वत पर पहली बार 100 फूट ऊंची काठी स्थापित करीने तेना पर तिरंगो फरकावामां आव्यो छे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हाए आ प्रसंगे उपस्थित रहा हता। 100 फूट ऊंची काठी पर 36 फूट लांबो और 24 फूट पहोळो ध्वज फरकावामां आव्यो छे। ऊंचाई पर आ ध्वज ने कोईपण मशीन की मदद लीधा विना स्थापित करायो छे। तो श्रीनगर ना हरि पर्वत पर ध्वजवंदन करवामां आव्युं। 100 फूट ऊंचो तिरंगो अहीं काठी पर लहेरावामां आव्यो। उपराज्यपाल द्वारा आ ध्वजवंदन कार्यक्रम में हाजरी आपवामां आवी हती। कोईपण जातना सपोर्ट वगर आ काठी ऊंची काठी पर हरि पर्वत पर ध्वजवंदन लहेरावामां आव्यो हतो जम्मू काश्मीर खाते। बहु वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। तिरंगा हमारी रूह है, हमारी धमनियों में बह रहा लहू है और जम्मू कश्मीर के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत माता की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया, अंग्रेजी हुकूमत से जूझे, मुझे लगता है उन तमाम लोगों के आप पूर्ण स्मरण का भी आज दिन है। श्रीनगर में लाल चौक में तिरंगो फरकावामां आव्यो। श्रीनगर ना मेयरे ध्वज फरकाव्यो हतो। अवसरे मोटी संख्या में स्थानिको अने प्रवासीओ चौक में उमटिया हता। लाल चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पण योजाया हता। स्वतंत्रता पर्व ने जोता श्रीनगर में चुस्त सुरक्षा व्यवस्था गोठवाई हती। तो स्वतंत्रता पर्व की उजवणी वच्चे काश्मीर थी एक एवी तस्वीर सामे आवी छे जेमां साबित थयुं छे कि देशभक्तनो एक ज धर्म होय छे, राष्ट्रभक्ति। दृश्य में जो ध्वजवंदन कार्यक्रम योजाई रह्यो छे अने तेमां जे तिरंगो लहेरावी रह्या छे ते छे मुजफ्फर अहमद वानी, जेमनो पुत्र बुरहान वानी आतंकवादी हतो, आतंकी संगठन हिजबुलनो पोस्टर बॉय हतो। 8 जुलाई 2016 ना रोज सुरक्षा दलना जवानोए बुरहान ने ठार कर्यो हतो। तेना पिता मुजफ्फर अहमद त्राल नी एक सरकारी शाळा में आचार्य छे, ज्यां 15 ऑगस्ट निमित्ते तेमणे तिरंगो लहेराव्यो अने राष्ट्रगान साथे सलामी आपी। राज्य पुलिस की कामगिरी में सुधारो करवा स्वतंत्रता दिवसे बे मोटी पहल कराई छे। राज्य पुलिस ने 10,000 बॉडी वॉर्न कैमरा अने 15 ड्रोन सिस्टम आपवामां आव्यो छे। तेनाथी पुलिस की कामगिरी केवी रीते सुधरशे जोईए अहेवाल में। जूनागढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में करायेली राज्य कक्षा की स्वतंत्र पर्व की उजवणी पुलिस विभाग माटे महत्वनी बनी रही। मुख्यमंत्री अहीं पुलिस माटे 10,000 बॉडी वॉर्न कैमरा अने ड्रोन सिस्टम लॉन्च करी हती। आ बन्ने प्रोजेक्टनो हेतु पोलीस अने लोको वच्चेनो तणाव घटाडवानो, पारदर्शकता वधारवानो अने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करवानो छे। जो पोलीस कोई वाहन चालक ने रस्ता में रोके अने कायदाना उल्लंघन बदल दंड मांगे तो आ बाबते कोई व्यक्ति पोलीसनी साथे गैरवर्तणूक नहीं करी शके। साथे ज पोलीसे पण पोताना वर्तननु ध्यान राखवू पड़शे, केम के पोलीस कर्मचारीना यूनिफॉर्म पर खास कैमरा लगावेला हशे। पोलीस माटे बॉडी वॉर्न कैमरानो देशमां पहेलो प्रयोग छे। टेक्नोलॉजी थी सज बनीने हवे गुजरात पोलीस जवानों पोताना शरीर पर पहेरी सके अने गुनेगारो गुनाओ करता दूर थाय एटला माटे विश्वास प्रोजेक्ट अने घटनाक्रम नु रेकॉर्डिंग थाय एटला माटे एंड टू एंड सोल्यूशन 10,000 बॉडी वॉर्न कैमरा हवे पोलीस पहेरशे। बॉडी वॉर्न कैमरा ने समझिए तो ते पोलीसना यूनिफॉर्म पर बेजनी पासे लगावामां आवे छे। आ कैमरा पोलीसना डिजिटल कंट्रोल रूम साथे कनेक्टेड छे। तेमां पोलीसनी ड्यूटीना समयनुं तमाम रेकॉर्डिंग थशे। कंट्रोल रूमने तेनी लाइव फीड मळती रहेशे, जेनाथी ट्राफिकथी लईने सुरक्षा सुधीनी बाबतो पर चांपती नजर रहेशे। तो बीजी तरफ तकरारना किस्सामां पण तमाम बाबतोनुं रेकॉर्डिंग थशे, जेना परथी तकरारनुं कारण अने व्याजबी तेमज गैरव्याजबी पक्षनी ओळख करी शकाशे। बॉडी वन कैमेरानी साथे पोलीसने अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम पण आपवामां आवी छे। 50 फूट सुधीनी ऊंचाई पर उड़ता आ ड्रोन अगाउ करता वधारे झड़पी अने सटीक तस्वीरो तेमज वीडियो रेकॉर्डिंग करी शके छे। ड्रोन सिस्टम द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर पोलीसनी पकड़ वधु मजबूत थशे। आतंकी प्रवृत्ति अने राष्ट्र विरोधी परिबळो एनी गतिविधिओ अटकाववा, आकाशमांथी आंख नजर राखवा, 1,63,00,000 ना खर्चे 15 ड्रोन કેમેરા સિસ્ટમ સાથે પોલીસ દળમાં આપણે વસાવ્યા છે। તો આગળ રહેશે અને સમાચારો પર નજર, તે પહેલા હાલ એક બ્રેક।